Yes. Hello, Amoghasiddhi ji. Jai Bhim, Namo हेलो Buddhaya. हेलो अमरुद्दीप, जय भीम, नमो बुद्धाय। और बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम आपस में कुछ बातचीत करने वाले हैं. जैसे कि आपको पता है कि पब्लिक प्रिसेप्टर कॉलेज, या जिन्हें हम उपाध्याय कॉलेज कहते हैं, उनकी ओर से जो 8 मार्गदर्शक तत्व है, उनमें से एक तत्व को लेकर हमें संक्षेप में चर्चा करनी है. और वह जो तत्व है वह 8वां तत्व है, जिसे हम कहते हैं आचरण का परोपकारी आयाम, या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक डायमेंशन ऑफ प्रैक्टिस. मैं इसके बारे में जब सोच रहा था तो मुझे लगा कि हमारा जो समूचा संघ है या जो आंदोलन है वह इसी आधार पर, इसी नींव पर खड़ा है. यदि यह परोपकारी आयाम नहीं होता तो शायद आप और हम यहाँ पर नहीं होते, हम दोनों भी यहाँ पर नहीं होते. हमें कई सारे लोगों की मदद हो चुकी है. हम जिस तरह से धम्म की राह पर चलने लगे, तब से लेकर अब तक कई सारे जो व्यक्ति है उनका हमें समय समय पर बहुत ही लाभ हुआ है. और मैं समझता हूँ कि यह परोपकारी जो आयाम है, या जो लोगों को मदद करने की जो भावना होती है, जिसे हम धम्म की भाषा में करुणा कहते हैं, मित्ता कहते हैं, इन सारी सद्गुणों की वजह से ही आज हम इतना अच्छा जीवन जी पा रहे हैं. तो इस बात को लेकर मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में इस अंग को या इस आयाम को किस तरह से देखते हो. हाँ ठीक है। वैसे देखा जाए तो मुझे याद है जब मैं हमारे संघ के आंदोलन के संपर्क में आया, तो सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित करने वाली बात मुझे लगी तो वह है बोधिसत्व आदर्श। और मैंने ये जो चैतन्य देखा संघ का, इससे मैं अधिक प्रभावित हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि हमारा अपना जो संघ है इसी आदर्श पर आधारित है। और उर्गेन संघरक्षित जी ने मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हमें सिखाया है। और मुझे लगता है कि हमारा जो संघ है, यह संघ इस तत्व को बखूबी जीने का प्रयास करता है। और इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और जब मैं देखता हूँ कि यह जो बोधिसत्व आदर्श है, एक प्रकार से यही हमारी प्रेरणा रही है बाबा साहब की ओर से, और हमारे संघ में मुझे लगता है कि इस बात को बहुत ही अहम इस प्रकार का स्थान है। और बुद्ध धर्म के बारे में ये भी कहते हैं कि बुद्ध धर्म का जो सार अगर हम कहें तो करुणा है। और मुझे लगता है कि जब हम संगम में आते हैं तो हमारे शरण गमन की जो अभिव्यक्ति है, निश्चित ही हमारी जो भी करुणा की गतिविधि है, औरों को मदद करना है, औरों तक धम्म पहुंचाना है, ये है। और मैंने संगम में आने के तुरंत ही पश्चात इसको देखा है और स्वयं मैं इसमें काफी सहभागी भी रहा हूँ। मुझे भी याद आता है कि मेरे जो शुरुआती दिन थे जब मैं संघ से जुड़ चुका था, उस वक्त मैं नए नए यही आनापानसती, मेत्ता भावना, यह ध्यान कर रहा था. और साथ ही साथ मैं बाबा साहब को पढ़ रहा था, भंते जी को भी पढ़ रहा था. तो धम्म को समझते हुए, बाबा साहब के जरिए और भंते जी के जरिए ध्यान करते हुए, मुझ में इस तरह की एक प्रेरणा उत्पन्न होती थी. और मैं यानी स्पॉन्टेनियसली मुझे ऐसा फील होता था कि मैंने जाकर लोगों को मिलना चाहिए. और उस वक्त मैं युवा था, कॉलेज जाया करता था, तो मैं उस वक्त मेरे जितने भी मित्र थे, फिर वो बाहर के हो, किसी बस्ती में रहने वाले हो, शहर में अलग अलग जगह रहने वाले हो, या फिर कॉलेज में हो, मैं उन्हें मिलता था और उनके साथ ये सारी बातें मैं शेयर करता था. उस वक्त मुझे बहुत आनंद मिलता था क्योंकि मैं धम्म उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था. तो फिर बाद में मुझे ये पता चला कि यह जो बातें हैं, जिसे हम कहते हैं मेत्ता और करुणा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सद्गुण है जिसके चलते कई सारे लोगों को उसका लाभ होता है. और मैंने अपने जीवन में खुद उसका अनुभव लिया है और आज भी ले रहा हूँ. इसी बात को लेकर लेकर मुझे इस बात की भी याद आती है कि जैसे कि हमारे जो गुरु है उर्गेन संघरक्षित जी, जिन्होंने अपने इस त्रिरत्न बौद्ध संघ या महासंघ का जो प्रतीक है वह 1011 सिर और 1000 हाथ वाले अवलोकितेश्वर का प्रतीक
रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। और वैसे देखा जाए तो हर एक संघ सदस्य मानो अवलोकित ईश्वर का एक एक हाथ जैसे है, जो कि लोगों को मदद करने के लिए लोगों में जाकर कार्य करते हैं, उनका दुख और दर्द मिटाने की कोशिश करते हैं और उन्हें धम्म की प्रेरणा उनमें निर्माण करते हुए उन्हें एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन और अपना अपना स्वयं का विकास किस तरह से करना है, यह सारी बातें हम संघ सदस्य के रूप में करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे संघ की यह सबसे सशक्त ऐसी भावना है कि समूचा संघ एक है और अवलोकितेश्वर का वो प्रतीक है, हाँ, ऐसा भी मैं समझता हूँ। यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने। खासकर मतलब मुझे लगता है कि भंती जी का ये जो रूपक है ना अवलोकितेश्वर का, यही बहुत कुछ कहता है। और मुझे लगता है कि अगर हम संघ को उसका अगर रूपक मानते हैं तो ये बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि हम केवल स्वयं तक हम सिमटे नहीं रह सकते। मेरा विकास, मुझे आध्यात्मिक विकास करना है, लेकिन हमारी जो अभिव्यक्ति है कि औरों को भी विकास की आवश्यकता है, तो मेरे विकास के साथ साथ औरों को विकास, ये जो तत्व है ना ये बहुत ही प्रभावित करने वाला है। और खासकर जब मैं बिल्कुल बाबा साहब के बारे में भी सोचता हूँ तो उनका ये मानना था कि बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार यह सच्ची मानव सेवा है। और मुझे सही में इस बात का फक्र होता है कि हमारा जो आंदोलन है इस प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिबद्ध है। और हर धर्मचारी जब कोई बनता है या धर्मचारिणी अगर कोई बनती है तो मुझे लगता है कि ये जो बोधिसत्व का आदर्श है ये आदर्श वो अपनाता है। और मुझे लगता कि मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित इस बोधिसत्व आदर्श ने किया हमारे इस संघ में। और बाबा साहब को भी यह लग रहा था कि बुद्ध धम्म संघ से लोगों से दुख दूर हो सकते हैं, उनका अज्ञान दूर हो सकता है। और हमारा ये अनुभव है, जैसे कि आप बता रहे थे आपके बहुत सारे युवा दोस्त थे, मेरे भी थे, तो बुद्ध धम्म से सही में एक बड़ी क्रांति हो गई है। और हम सबका मानना है कि लोगों तक बुद्ध धम्म इस प्रकार से जाना चाहिए। और सही में मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार का जो चैतन्य है उससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि समय की सही में ये अभी मांग है कि इस प्रकार का जो चैतन्य है वो लोगों तक जाए। यस, बिल्कुल सही है। और एक बात मुझे बहुत भाती है, जैसे कि भंते जी ने हमें धम्म जिस तरह से समझाया है वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसमें उसमें जैसे कि हमने मेत्ता और करुणा, इन दो बातों को देखने की कोशिश हम कर रहे हैं, उसकी उसकी जो अभिव्यक्ति है, भंते जी कहते हैं कि आध्यात्मिक समाज में, या जैसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी, यानी ये संघ जो है, संघ में पावर मोड या दंड मार्ग की कोई जगह नहीं होती, वहां पर केवल मैत्री मार्ग ही हो सकता है। और मैत्री मार्ग को ही हमने अपनाना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो, कितनी भी समस्याएं क्यों न उत्पन्न हो, हमने एक सदस्य, एक संघ सदस्य के रूप में दूसरे संघ सदस्य के साथ मैत्री मार्ग का ही आचरण करना चाहिए। हमने लोगों को अच्छी वाणी का उपयोग करना चाहिए, लोगों को मित्रतापूर्ण उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए, उन अपना जो शीलों का आचरण है, ये सारी बातें इसी में समा जाती है। मैं समझता हूँ कि मैत्री मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें करुणा भी समाई जाती है और अन्य जो शील है जिसका हम आचरण करते हैं वे भी समाए जाते हैं। इसलिए भंते जी का मैं बहुत बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी उपलब्धि करा दी है। राइट राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि देखा जाए तो बुद्ध धर्म का अगर हम सार के रूप में देखते हैं तो करुणा ही है। और अगर करुणा है तो निश्चित ही उसका जो एक प्रकार से सक्रिय अंग है वह यह है कि हम लोगों तक जाए। और मुझे लगता है कि जब मेरी दीक्षा हुई तो वो प्रतिज्ञा सही में मुझे बहुत प्रभावित कर गई। और मुझे लगा कि मेरे दीक्षा का अर्थ ये होता है कि ये चैतन्य मुझ में चाहिए बोधिसत्व का। और वो जो प्रतिज्ञा हमने ली थी कि सभी प्राणी मात्र के हितार्थ मैं यह दीक्षा ग्रहण करता हूँ, वो सही में मुझे काफी प्रेरणा देती है। और मुझे लगता है कि शरणागमन की जब हम बात करते हैं, जिस प्रकार से भंते जी ने हमें पढ़ाया है, तो निश्चित ही हमारा जो एक सर्वसामान्य आत्म केंद्रित जीवन होता है उससे हम बाहर निकलते हैं और स्वयं को अधिक अधिक व्यापक करते हैं, हमारा हृदय हम खुला करते हैं। और मुझे लगता है कि यही पर में ये जो बात है हमारी, जिसको हम परोपकारी आयाम कहते हैं, वो एक प्रकार से विकसित होता है। मुझे लगता है कि हमारे संघ का ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, जैसे आपने बताया। यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कहा आपने। और मुझे भी ये जो प्रतिज्ञा है वो बहुत भाती है, सभी प्राणी मात्रों के हितार्थ
मैं ये दीक्षा ग्रहण करता हूँ, से ये सही अर्थ से परोपकारी आयाम है हमारे जीवन का। और मेरे ख्याल से समय अपने पास अभी यस, अभी समय पर्याप्त नहीं समाप्त हो है, रही है, ऐसे ऐसे समय ऐसे, समाप्त हो रहा है, तो हम यहाँ वो रुकना यस वो चाहेंगे। रुकना बहुत बहुत चाहिए, धन्यवाद अमोक सिद्धि जी, जय भीम, धन्यवाद अमृतदीप जी, मुगुल जय भी हाय। नमो।